कोर्ट में चल रहे मामलों के अंदर राजीनामा किस तरह से कराया जा सकता है? दोस्तों, चाहे आपका मामला सिविल हो या क्रिमिनल हो या कोई भी आपका केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो दिक्कत सिर्फ और सिर्फ आती है जो मामले होते हैं वो है क्रिमिनल। अगर कोई सिविल मामला है, रेवेन्यू मामला है, मेट्रिमोनियल मामला है या कोई भी अदर मामला है, हर मामले के अंदर अगर दोनों पार्टीज एग्री हैं, ए और बी पार्टीज एग्री हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके मामले का निस्तारण करवा सकते हैं। प्रार्थना पत्र दोनों की ओर से पेश हो जाता है कि श्रीमान, इस प्रकरण के अंदर हम लोग समझौता कर चुके हैं, हमने आपसी सहमति से हमारे मामले का निस्तारण कर लिया है, अब हम इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते। या फिर आप चाहें उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि मैं इस वजह से हमने इन पॉइंट्स के ऊपर हम राजीनामा कर रहे हैं जो कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड रहे। ये डिपेंड करता है दोनों पार्टीज़ की सहमति पर। तो कुल मिलाकर के अगर दोनों पार्टीज़ सहमत हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कोर्ट के सामने प्रार्थना पत्र पेश करके, एक तो ये बात। लेकिन मामला अगर क्रिमिनल केस का है तो क्रिमिनल केस के अंदर कुछ धाराएं ऐसी हैं जो कंपाउंडर वाले स्वयं में ही राजीनामे योग्य है, तो वो धाराएं कुछ इस तरह से हैं। आप देख सकते हैं ये सारी धाराएं, अगर इनमें से कोई मामला आपका है तो सिर्फ़ और सिर्फ कंप्लेनेंट की तरफ से एक प्रार्थना पत्र पेश किया जाएगा जिस पर मुल्ज़िम का भी नाम होगा एक तरफ और एक तरफ कंप्लेनेंट का नाम होगा। लेकिन जो बात कही जाएगी वो कंप्लेनेंट की तरफ से कही जाएगी कि प्रार्थना पत्र में ये बात कहेगा कंप्लेनेंट कि श्रीमान, उक्त प्रकरण के अंदर अब मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैंने मुल्ज़िम से या दूसरे पक्षकार से, अक्यूज से, अपनी सहमति से, हम दोनों की सहमति से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, इस प्रकरण का निस्तारण आज की तारीख में ही निस्तारित कर दिया जाए या इसका निस्तारण आज की तारीख में कर दिया जाए। ऐसी रिक्वेस्ट का प्रार्थना पत्र कोर्ट के अंदर कंप्लेनेंट पेश करेगा। अगर दोनों साइड से क्रॉस केस है तो दोनों अलग अलग एप्लीकेशन पेश करेंगे और दोनों की तरफ से साइन होंगे। मुलजिम का नाम एक साइड में होगा और परिवादी जो कंप्लेनेंट है उसका नाम एक साइड में होगा दूसरी साइड में। दोनों के वकीलों के द्वारा आइडेंटिफाइड किया जाता है। कोर्ट तस्दीक करने के बाद इसको आदेश करके इस प्रार्थना पत्र पे उसके बाद इस मामले का निस्तारण कर देती है। गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ सेक्शंस जो कि कंपाउंडेबल नहीं है और वो अगर कंपाउंडेबल बनते हैं तो वो मजिस्ट्रेट के पास पावर है। अब वो कौन से सेक्शंस हैं जो कंपाउंडेबल बन जाते हैं, मतलब राजीनामा योग्य बन जाते हैं परमिशन देने के बाद मजिस्ट्रेट की, वो ये सेक्शन है दोस्तों। अगर आप इन सेक्शंस के अंदर कोई मामला आपका चल रहा है तो एक प्रार्थना पत्र परमिशन दिए जाने अनुमति आप श्रीमान के समक्ष पेश करेंगे, जो करेगा कौन? कंप्लेनेंट, जो कि शिकायत करता है, जो कि पीड़ित है, जो कि परिवादी है। ये बंदा कंप्लेनेंट जो है ये प्रार्थना पत्र पेश करेगा कि श्रीमान, उक्त प्रकरण के अंदर मेरा समझौता इस फला अक्यूज से हो गया है, अब मैं इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहता हूँ, तो श्रीमान से निवेदन है कि अनुमति प्रदान करें राजीनामा करने की। तो वहाँ पे वो अनुमति पर ऑर्डर करेंगे, फिर वही वाला जो मैंने प्रार्थना पत्र बताया था दोबारा दोनों की ओर से पेश होगा, वो वाला सब कम्बाइंड नेम के साथ कि भाई फला प्रकरण के अंदर मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, मेरा राजीनामा हो गया है। उसमें एक तरफ परिवादी के कंप्लेंट के साइन होंगे मतलब, और एक तरफ होंगे अक्यूज़ के साइन। तो वो कोर्ट के अंदर तस्दीक होगा, वकील के माध्यम से भी तस्दीक होगा, कोर्ट एक्सेप्ट करने के बाद निस्तारण कर सकेगी। लेकिन उसमें बयान होंगे जो कंपाउंडेबल नहीं है, कोर्ट के अंदर बयान कराए जाएंगे। अब जो मामला है उसके अकॉर्डिंग बयान आपका वकील थोड़ा सा डिफर करते हुए करा देता है, ये तो ही दूसरी बात, और मामले का निस्तारण हो जाता है। ये दोनों ही मामले ईजिली निस्तारित किए जा सकते हैं। एक मामला जो तीसरा, जो कि कंपाउंडेबल नहीं है, नॉन कंपाउंडेबल है, कोर्ट की परमिशन दे ही नहीं सकता कोर्ट उन केसेस के अंदर। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर आप राजीनामा करना चाहते हैं तो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर राजीनामा लिख के भी पेश करोगे तब भी। इसके लिए आपको आपके वकील से मिलना पड़ेगा और आपको वो सॉल्यूशन दे सकते हैं कि किस तरह से ऐसे मामलों के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ होता है जो कि कंपाउंडेबल नहीं है। कानून में कोई प्रोविज़न नहीं है ऐसे मामलों का और सिर्फ वकील ही उसके लिए कुछ एडवाइस आपको दे सकता है। डिपेंड करता है कि आप किसके वकील, आपका वकील कौन है, क्योंकि मैं आपको नहीं दे सकता उस चीज़ की एडवाइस, इसलिए ये आपको एडवाइस देगा आपका वकील। कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करके ज़रूर दूसरे लोगों तक पहुँचाए। कोई भी मामला हो, हर मामले का निस्तारण हो सकता है राजीनामा करके। अगर कोई नया व्यूअर हमारे चैनल से जुड़ा है तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।